इससे पहले की वीडियो में हमने सोलर पैनल और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बताया था और इसमें आपको बताया था कि MPPT और PWM 200 दो प्रकार के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं और आज की इस वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि आपको कौन से सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पर आप डायरेक्ट सोलर पैनल को इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते या आप इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ आपको बैटरी चार्ज करनी है, तब भी आप सोलर पैनल को MPPT या PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से जोड़ेंगे और अपनी बैटरी को भी इस कंट्रोलर से जोड़ेंगे, जिससे कि सोलर पैनल से आपकी बैटरी वो चार्ज हो जाएगी और जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है यह अपने आप उसकी चार्जिंग को बंद कर देता है, जिससे कि आपकी बैटरी वो ओवर चार्ज नहीं होती और वह जल्दी खराब भी नहीं होती। बहुत बार लोग बिना सोलर चार्ज कंट्रोलर के ही सोलर पैनल सीधे बैटरियों पर लगा देते हैं, जिससे कि उनकी बैटरी वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोलर नहीं है तो वह ओवर चार्ज हो जाती है और जिससे कि वह बैटरी बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। तो इसीलिए आपको किसी न किसी प्रकार का सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मार्केट में आपको दो प्रकार के सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेंगे, MPPT PWM। इन दोनों में कुछ अंतर है वो आपको समझ लेने चाहिए। तो यहां पर एक बार मैं बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में समझा देता हूं। MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है जो कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई की जो चार्जिंग इफिशियंसी है उसको 30% तक बढ़ा देता है। वही PWM जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसका पूरा नाम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को भी कम कर देता है क्योंकि यह एक साधारण सोलर चार्ज कंट्रोलर है और यह एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले काफी सस्ता होता है। अगर आप दो सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM और MPPT खरीद रहे हैं और उनका जो कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है वो सेम है, तो आपको उनकी कीमत में कम से कम 4 से 5 गुना का अंतर मिलेगा। अगर आप 30 एम्पियर का एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत आपको 5,000 रुपये के करीब देनी पड़ेगी, वहीं PWM आपको 1,000 रुपये तक भी मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की, इनमें डिफरेंस क्या है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको 80 एम्पीयर तक के साइज में मिल जाएगा और वहीं PWM जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो आपको मैक्सिमम 60 एम्पीयर तक की ही कैपेसिटी के साथ में मिलेगा। MPPT सोलर चार्ज की जो वारंटी है वो PWM के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है तो इसके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। लेकिन जो PWM है एक साधारण सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसलिए इसकी वारंटी बहुत ही कम मिलती है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो इसकी आउटपुट है वो इसकी इनपुट के मुकाबले ज्यादा होती है क्योंकि जैसा कि हमने बताया था ये चार्जिंग इफिशियंसी को 30% तक बढ़ा देता है तो जो आउटपुट है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन वहीं PWM चार्जिंग इफिशियंसी को कम कर देता है तो जो आउटपुट है इसकी इनपुट के मुकाबले कम हो जाती है। और इसकी कीमत के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, MPPT सोलर चार्ज की कीमत PWM के मुकाबले काफी ज्यादा होती है और MPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो बैटरी को PWM के मुकाबले जल्दी चार्ज कर देता है क्योंकि यह सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को बढ़ा देता है जिससे कि बैटरी चार्जिंग एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है और बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में बैटरी चार्जिंग करने की जो एफिशिएंसी है वो 96% होती है, वहीं PWM कंट्रोलर में यह 70% तक ही होती है। धूप कम होने के कारण अगर सोलर पैनल से सप्लाई कम आ रही है तब भी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर उसे बढ़ाकर आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज कर देता है। लेकिन वहीं PWM अगर पीछे से सप्लाई कम आ रही है तो यह उसको और कम कर देता है और जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो अच्छे से चार्ज नहीं होती। तो यह कुछ मुख्य इनमें अंतर है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए सोलर चार्ज कंट्रोलर को खरीदना चाहिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यह खरीद सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसे कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।